दोस्तों, जैसी मुंह में गई वैसी घुल गई। असली फिश की पहचान यही होती है। साहब दुकान में आने के लिए कहाँ आना पड़ेगा लोगों को, अगर कोई फिश खाना? अच्छा, तो ये कौन सी फिश रहेगी हमारी? देसी सिंघाड़ा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरी वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हम इस टाइम है पंजाब में, अनंतपुर साहिब में, और अभी हम शिमला की ओर जा रहे हैं। तो मैं यार यहाँ पे, आपको पता है यहाँ की फ़िश काफ़ी ही लाजवाब होती है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ की फ़िश। तो उसी फ़िश को खाने के लिए हम अभी आए हैं अनंतपुर साहिब में, और एक छोटा सा ढाबा मिला है यहाँ पे, फ़िश सेंटर है तो आप, और यहाँ पे हम अभी फ़िश खाने के लिए आए हैं। और अभी यहाँ पे फ़िश की प्रेपरेशन हो रही है, और ये है अपनी देसी सिंघाड़ा फ़िश है, और इसको अभी डीप फ्राई करेंगे तेल में, और अभी भाई आएंगे, वो अभी बना के दिखाएंगे कि कैसे बनती है फ़िश, और उसके बाद इसका जायका लेते हैं। और आपको लोकेशन समझा देता हूँ, ये सामने अपना हाईवे है, और साथ में ही ये यहाँ पे फ़िश का काउंटर लगता है, राज चिकन मीट शॉप है यहाँ पे। और बाकी अभी भैया से बात करते हैं, आपको पूरी लोकेशन समझाते हैं कि आपको कहाँ पे आना पड़ेगा फ़िश खाने के लिए। और ये थोड़ी अपनी दुकान की लोकेशन बता दो आप। आनंदपुर साहब दुकान में आने के लिए कहाँ आना पड़ेगा लोगों को, अगर कोई फिश खाना? अच्छा, तो ये कौन सी फिश रहेगी हमारी? देसी सिंघाड़ा। चलो सर, हमारे लिए आप बढ़िया सी फिश लगाए और बताते हैं कि कैसी रहती है दोस्तों फिश। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों, हमने यहाँ पे अपनी आधा किलो फिश करी है, और देख सकते हो आप, बड़े भाई फिश फ्राई कर रहे हैं, बढ़िया सी डीप फ्राई होगी, और देख सकते हो आप आंच में बढ़िया डीप फ्राई होने जा रही है हमारी फ़िश। और इसके बाद आपको फ़िश का जायका भी बताते हैं। और आपको दोस्तों यहाँ पे मैं ज़रूर रेकमेंड करता हूँ, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे, मैंने पहले लोगों से पूछा कि यहाँ की फ़िश कैसी बनती है, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि यहाँ आपको फ़िश खाने आना चाहिए। तो यहाँ पे आप ज़रूर आ सकते हो, जब आप इस हाईवे पे कहीं इधर उधर जा रहे हो तो राज चिकन पॉइंट है यहाँ पे, आपको यहाँ पे फ़िश, चिकन की, चिकन आइटम्स, अपना चिकन पकौड़ा वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप यहाँ पे आ सकते हो। बाकी आपको अभी थोड़ी देर में टेस्ट करके बताते हैं इसमें फ़िश में जो अभी अभी डीप फ्राई हो रही है, इसमें कम से कम अभी 10-15 मिनट लग जाएंगे, और 10-15 मिनट के बाद बताते हैं जब प्लेटिंग हो जाएगी, तो उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा रहने वाला है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप चिकन के शौकीन हो तो आप चिकन काउंटर ही साथ में फ़िश के साथ है, और आप यहाँ पे चिकन का लुत्फ उठा सकते हैं, काफ़ी मशहूर दुकान है यहाँ की। तो भैया, ये क्या लग रहे हैं यहाँ पे अभी इसमें? तंदूरी चिकन। तो क्या क्या इसमें मसाले डालते हैं आप वैसे? वो सब तो हमारी फ़िश कढ़ाई से उतर के तैयार हो चुकी है बिल्कुल, अब इसमें डालेंगे बढ़िया मसाले। ये क्या भैया, चाट मसाला डाल रहे हैं आप? चाट मसाला पड़ रहा है, और साथ में लेमन भी काट दिया है, और अब बढ़िया फ़िश के साथ बढ़िया इसमें मसाला, मसालेदार मछली होने वाली है। देसी सिंघाड़ा है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, काफ़ी स्वादिष्ट रहती है यहाँ की अगर आप ताज़ा ताज़ा फ़िश खाते हो। और इसमें आप देख सकते हो नींबू पड़ गया है बढ़िया सा, और देखते हैं दोस्तों अब इसका टेस्ट देखते हैं, और आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और आपको कहाँ आना है मैंने आपको पहले बता दिया है वीडियो में, अब वीडियो का। और यहाँ पर सर भी है, शेफ है शायद यहाँ पर, तो सर आपकी दुकान काफ़ी फेमस है, मैंने लोगों से पूछा है, तो आज आपकी फ़िश खाने के लिए आए थे हम। तो अब दोस्तों जल्दी से फ़िश ट्राई करते हैं, और आपसे मिलते हैं बढ़िया से काउंटर पे यहाँ पे। तो हमारी फ़िश बन के तैयार हो चुकी है, देख सकते हो आप, देसी सिंघाड़ा, और साथ में मिली है हमें चटनी और मूली का सैलेड मिला है। और अब जल्दी से ट्राई करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों भूख भी लग चुकी है, अब सुबह से ब्रेकफास्ट करा था, और देखते हैं दोस्तों कैसा रहता है इसका स्वाद। और सबसे पहले तो दोस्तों इसके ऊपर नींबू डालेंगे, बिल्कुल चटाकेदार बनाएंगे अपनी फ़िश को, और इसमें ऊपर से आपको पता है इसमें मसाले पहले पड़ चुके हैं, और नींबू को रखते हैं यहाँ पे। और ये है अपनी कुछ फ़िश दोस्तों, देख सकते हो बहुत ही मुलायम है यार यहाँ की फ़िश, मैं आपको बताऊँ, आहा आहा, देखो रस भरी फ़िश, कितना रस है इसमें। और अब लगाते हैं थोड़ी इसमें चटनी, और थोड़ी सी लगाते हैं इसमें मूली, और करते हैं अब इसका जायका टेस्ट। अभी गर्म भी होगी वैसे, दोस्तों जैसी मुंह में गई वैसी घुल गई। असली फिश की पहचान यही होती है, इसमें कांटा नहीं है, बोनलेस है। आप जब कभी भी सो रहा हो, अनंतपुर साहिब है जगह का नाम, और राज चिकन शॉप है, और जल्दी से हम अपनी
फिश को करते हैं ख़त्म। इसी तरह से मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपने भाई को प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।